जब कभी चैनल में को बहस हो जाती है, को मेमन के लिए खड़ा हो जाता है, को अफसल के लिए खड़ा जाता है, को आतंकवादियों के लिए बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं, फांसी नहीं होनी चाहिए, अफसल को फांसी नहीं होनी चाहिए, बॉम्बे के अंदर ब्लास्ट किया मेमन ने, फांसी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये मुसलमान है। मैंने उसको एक, मैं कहा तू क्यों इनके केस लड़ता है? कहना मेरा पेशा है। मैं बिल्कुल ठीक, मेरी बात सुन, तेरा पेशा है, फॉरेन से फंडिंग आती है, मैंने बेगुनाहों का खून करने वाले, भारत मां के टुकड़े टुकड़े करने वालों का केस लड़ना है, ये तू शिक्षा दी है? मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, बार बार शरीर के ऊपर बम खा करके वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए ये मैंने कहना है, मेरा धर्म भारत मां, मेरी जात वंदे मातरम, अब बोल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उसी वक्त बदलता है, कहता हां फांसी होनी चाहिए। ये पढ़े लिखे लोगों की जमात, ये पैसे की खातर अपना ईमान, अपनी जमीन, अपने भारत माता के साथ धोखा करते, जमीन ईमान बेच देते हैं, ये वो लोग हैं। वकील बीजेपी में बताओ कोई वकील है जिसने टेररिस्टों का केस लगा? एक भी नहीं मिलेगा। मीनाक्षी लेखी टेररिस्टों के खिलाफ, आपकी दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी राष्ट्रभक्त, आतंकवादियों के खिलाफ एक भी बताओ? आपके रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री, आतंकवादियों पर केस नहीं लगा। यह हिंदुस्तान की विरासत है, यह शक्ति और यह ताकत। अरुण जेटली जी आतंकवादियों का केस नहीं लड़ा। यहां मुंह उठाते हैं और आतंकवादियों के केस लड़ने शुरू कर देते हैं, और राम जन्मभूमि उसके लिए कपिल सिब्बल खड़े हो जाते हैं, जो जो बांग्लादेश से पाकिस्तान से आते हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करने के लिए वोट बैंक की खातर पॉलिटिकल पार्टियां उनको शरण देती हैं, उनको निकालने की हिंदुस्तान की सरकार नरेंद्र मोदी कोशिश करते हैं, तो उनके लिए खड़े हो जाते हैं। ये इनका धंधा है, ये इनका पेशा है। ऐसी चीज चलेगा कि आतंकवादियों के लिए खड़े होंगे, जो अपने देश के अंदर अपनी जगह बना लेंगे और इस राष्ट्र को कमजोर करेंगे, उनके लिए ये खड़े हो जाएंगे? इनका जवाब कौन देगा? इनका जवाब हमें देना होगा। राष्ट्र हमारा है, जिम्मेदारी हमारी है। आज ये कहीं खड़े हो, आने वाला वक्त है, इन आतंकवादियों की मदद करने वाले कपिल सिब्बल जैसे लोग, के एस तुलसी जैसे लोग, जिन्होंने मेरे पे बम चलाने वालों को जेल से छुड़वाया, फांसी से बचाया, बताऊं कितना पैसा खर्च हुआ उस आतंकवादी को बचाने के लिए? 50 करोड़ आतंकवादी को बचाने के लिए खर्च हुआ। पर अगर भैया मैंने कोर्ट में जाना है, सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे खून पसीने की कमाई से एक पेशी का 10 लाख रुपया देना होगा। यह आजाद भारत की तस्वीर थी, किसको बताऊं, किसको बताऊं? अगर किसी बेसहारा बिटो, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, इंसाफ के लिए आतंकवादियों के खिलाफ, वो विधवा महिला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वो कहां से पैसा खर्च करेगी? मेरे जैसा आदमी हाथ खड़े कर गया। मैं कई बार कहता हूं बम्बो गोलियों से मौत से नहीं हारा हूं, मौत तो मेरी दोस्त है। जब जाऊंगा भगवान से प्रार्थना हमेशा करता हूं, जब भी मुझे मौत देना, मुझे बम्बो गोलियों से मौत देना, मुझे जो राजनीतिक आतंकवाद से मौत मत देना, जो कपिल सिब्बल जैसे, चिदंबरम जैसे, के एस तुलसी जैसे लोगों ने मेरे साथ किया, ऐसी मौत मत देना। मौत देना तो बम्बो गोलियों से बहनों के सुहागों की रक्षा करते हुए, बच्चों की रक्षा करते हुए मौत देना, इनके हाथों से मौत मत देना। ये गिरे हुए लोग हैं, ये आज हिंदुस्तान की तस्वीर है। आप कभी सोच सकते कि मेरे जैसा व्यक्ति कभी इच्छा मृत्यु मांग ले? अगले साल आएगी मेरे पे पिक्चर, उसमें इतिहास के पन्ने पिछले खोले जाएंगे, गंदी राजनीति के पन्ने खोले जाएंगे, खून से लथपथ वो धरती के पन्ने खोले जाएंगे, जो मेरे साथ 70 लोग शहीद हुए, जवान हुए, आते जाते बच्चे जो शहीद हो गए स्कूल पे जाते हुए, वो पन्ने खोले जाएंगे कि इन आतंकवादियों को बचाने वाले कौन थे, इतिहास खुलेगा। मैं इच्छा मृत्यु मांग लू दुखी हो करके। मैंने एक दिन सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिखी,
मैंने कहा मैं चलता फिरता बम हूं, कितने बेसहारा लोग मेरे टूटे से शरीर के कारण इस दुनिया से चले गए। अब मैं जीना नहीं चाहता, पर मैं मौत से नहीं डरा, मैं आतंकवादियों से नहीं डरा। उनके बम भी जो मेरे शरीर के ऊपर है वो भी फूलों की तरह लगते, क्योंकि मेरा कर्तव्य था, मेरा एहसान नहीं था, मेरी कुर्बानी नहीं थी। जिस दिन कुर्बानी और एहसान कर दूंगा उस दिन मेरा मेरी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। मैं कहा मैं कभी नहीं डरा, मौत तो मेरी दोस्त है, पर मैं इन राजनीतिक आतंकवादी कपल छिपल चिदम्बरम जैसे लोगों से जरूर घबराता हूं। इनकी मौत कैसे होगी मुझे पता नहीं चलेगा, कितनी बहनों के सुहाग पहले की तरह उजड़ जाएंगे, बच्चे यतीम हो जाएंगे। कृपा करके मुझे इच्छा मृत्यु दे दो और मेरे बंबों से बचे हुए शरीर के अंग जख्मी फौजियों को और रत्ते जाते गरीबों को दान नहीं उनको बेसहारा को दे दो। मैं इस लड़ाई से हार चुका, आतंकवादियों से नहीं लड़ा हारा, पर कपिल छिपल चिदम्बरम जैसे राजनीतिक आतंकवाद से हार गया। कभी सोच सकते हैं कि मेरे जैसा आदमी बम्बों गोलियों मौत से नहीं डरा, ये राजनीति में बैठे हुए राजनीतिक आतंकवाद से हार जाए। वक्त भगवान ने दिया, वक्त बदल गया, अब धीरे धीरे सब जेल जाएंगे। ये जो कहते हैं ना हम हमारे साथ गंदी राजनीति हो रही, आपने मुल्क को लूटा है जनाब, आपने समझौते किए हैं जनाब, आपने 370 धारा को लगा के रखा हमेशा के लिए जनाब, आपने हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने का तक का पैसा सारा कश्मीर में भेजा है जनाब, आपने लाल कारपेट के साथ जातिन मलिक जलानी जैसे लोगों को जो हमारे जवानों को कत्लेआम करते शहीद करते जब पत्थर फेंकते उनको लाल कारपेट से दिल्ली में स्वागत किया है जनाब, आज उनकी सबकी जगह यातिन मलिक हो या जलानी जैसे हो अब जेल में चली गई। अब कहां ये पहले भी हो सकता था, पर आपकी पॉलिसी डबल रही, आपकी पॉलिसी जात कास्ट मजहब और धर्म के अंदर रही। आपने कभी सेकुलरिज्म का नारा ही नहीं दिया, आपने नारा दिया भगवा आतंकवाद, आपने नारा दिया हत हिंदू आतंकवाद। दिग्विजय सिंह चिदम्बरम जैसे लोगों ने उन्होंने ही आपको दफन कर दिया, इन दो नारों ने भगवा आतंकवाद हिंदू आतंकवाद ही आपको ले लिया।